बोलो विघ्नहर्ता गणेश भगवान पैदा भी नहीं थे जब से। अरे क्यों? अरे दिखा दो। अरे तुम ये तो बताओ कि हेलो गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आसान दिल भाई आ गए घर पे, हमें बुला लिया था। अभी हम लोग जाने वाले हैं सप्तेश्वर गणेश मंदिर। तो अभी अपन जाने वाले हैं अपनी एमटी खड़ी करके ही ओला से जाने वाले हैं, क्योंकि पता है ना इको फ्रेंडली बनना है अपन को, ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करना है। चलो चलते हैं गाइस, थोड़ा माइंड नहीं करना हेलमेट के लिए, कल से लगा लेंगे। अब लोग बोलोगे कि मैं रोज बोलता हूँ कल से लगा लूंगा, लेकिन लगाता नहीं, लेकिन कल से जरूर लगा लूंगा। कल से मैं भी लगाऊंगा। जबलपुर में लगभग एक हफ्ते बाद बरसात हुई अच्छे से, है ना, थोड़ा शांति मिली, थोड़ा ठंडक आई। हाँ भाई लोग, अभी हम लोग यहाँ पे एक मंदिर मिला, जबलपुर का ही है ये, गंगा सागर तालाब है यहाँ पर, और मंदिर का नाम है देवी द्वार। क्या है मंदिर का नाम? नहीं तालाब ही है बस, मंदिर नहीं है। रुको देखते हैं अंदर चल के। गंगा सागर माँ दुर्गा विकास समिति, तो दुर्गा जी का मंदिर है यहाँ पे। वाह पहली बार आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, वाह अच्छा है यार। अरे वाह यार गजब, ये देखो देवी माई का मंदिर है, जय हो माई की, और त्रिशूल। वाह अच्छा तालाब, अच्छा भरा भी हुआ है। वहाँ देखो नाव चल रही है, ये देखो मछली पकड़ रहे हैं उन लोग, मछली पकड़ रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है पहने रहो, मछली पकड़ रहे हैं उन लोगों, देखो। तो यहाँ पे दुर्गा जी रखी जाती है स्थापना, अच्छा जवारे वगैरह, हाँ यहाँ जवारे बोए जाते हैं। फिर यहाँ से निकलती होगी सुबह यात्रा, जवारे नहीं बाहरी की जवारे आते हैं, घरों में रहते हैं, यहाँ पे सजन करने आते हैं। अच्छा तो जब पूरी जवारे का पूरा यहाँ पर बाबा महाकाल का शिवलिंग रखा हुआ है, और अच्छी अच्छी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। इस साइड हनुमान दादा की मूर्ति रखी हुई है। यहाँ तालाब के किनारे सब लोग बैठे रहते हैं, और ये देखो बहुत ही सुंदर शंकर जी का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है कुटी के साथ। कितनी अच्छी छाया बनी हुई है, पीपल के पेड़ के नीचे शंकर जी बैठे हैं, बाजू में तालाब है, मंदिर है, मढ़िया है, यहाँ पर गार्डन भी बहुत अच्छा है। मतलब आओगे ना तो पीसफुल शांति आनंद आएगा यहाँ बैठने में। मछली पकड़ते रहते हैं यहाँ पर सभी लोग, वहाँ भी पकड़ रहे हैं, यहाँ भी पकड़ रहे हैं, बहुत सारी मछली है। भाई लोग गणेश मंदिर पहुँच चुके हैं हम लोग, मतलब गणेश मंदिर नहीं पहुँचे हैं, गणेश मंदिर की रास्ता पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से कहाँ से जाना है तो आगे चल के अपन पता कर लेते हैं। अभी हम लोग सप्तेश्वर गणेश मंदिर पहुंच गए हैं, और शांतनु भाई शूट कर रहे हैं। यहाँ पर श्री संकेश्वर पार्थ जैन संघ जबलपुर, श्री श्वेतांबर जैन मंदिर और श्री सप्तेश्वर गणेश मंदिर एक साथ बने हुए हैं। यहाँ पर जैन मंदिर है और यहाँ पर श्री गणेश मंदिर है। अभी अपन ने अपनी ओला पार्क कर दी है, और यहाँ से हम जाने वाले हैं गणेश मंदिर। और जो ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं ना, वही गणेश जी हैं, शहर के सबसे बड़े गणेश जी हैं यहाँ पे। अरे क्यों? अरे तुम ये तो बताओ कि यहाँ पर किसका मंदिर है? गणेश मंदिर है। गणेश मंदिर है, हाँ। कब से है? जब पैदा भी नहीं थे जब से। अच्छा जब मैं पैदा हुआ था ना मैं यहाँ आता था। मैं तो जब से जैसे मैं पैदा हुआ जब से आ रहा। अच्छा हाँ। कौन कौन से मंदिर है यहाँ पे? हाँ? कौन कौन से मंदिर? दुर्गा मंदिर, हाँ हनुमान मंदिर, हाँ शनि मंदिर, हाँ शनि देव का मंदिर, हाँ नहीं घर नहीं घर नहीं। तुम लोग कहाँ रहते हो? लगन लगन। यहीं पे मतलब पास में खेलने के लिए आ जाते हैं। नहीं डाल करना। बिल्कुल नहीं डालूंगा। मेरा नाम शिवम है, आपका नाम क्या है? शिवू। हाँ अच्छा नाम है, आपका नाम क्या है? पप्पू। हाँ मेरा नाम शिवम है, और भैया का नाम शांतनु है। पर खेलने कूदने के लिए भी स्पोर्ट वगैरह है, झूला स्पोर्ट नहीं है, झूला झूलने के लिए। यहाँ पर शांति बहुत ज्यादा है, लोग आते हैं बैठते हैं, बच्चे लोग आते हैं खेलते कूदते हैं, और देखो कितनी प्यारी यहाँ पर क्या बोलते हैं ना कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। मेरा शब्दकोश थोड़ा कमजोर है, शांतनु भाई को मैं इसीलिए लाता हूँ साथ में, मतलब मैं शांतनु भाई के साथ में इसीलिए आता हूँ क्योंकि मेरा शब्दकोश कमजोर है, वो अच्छे से बता देते हैं। बोलो विघ्नहर्ता गणेश भगवान की। और देखो ये जो पत्थर है ना बिल्कुल गणेश जी की जैसा है, गणेश जी की आँख। ये देखो जो यहाँ पे ढाल है ये बिल्कुल सूर्य जैसी लग रही है गणेश जी के, और सिर भी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, बहुत सुंदर लगते हैं यहाँ पर, और काफी दूर से दिख जाते हैं। यहाँ पर लोग अपनी मन्नत भी बांध जाते हैं गणेश जी के लिए, मतलब गणेश जी से मांगते हैं, गणेश जी मुझे ये चाहिए। साइज आपको प्री वेडिंग में दिखाते हैं, यहाँ पर प्री वेडिंग में चल रहा है छोटा सा, प्री वेडिंग में शायद राधा जी का शूट चल रहा है। अब यहाँ पर लोग परिक्रमा भी लगाते हैं गणेश जी के गोल 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 गोल, जिससे गणेश जी अपन को खूब सारी बुद्धि दें। नांगदेव भगवान बने हुए हैं, और उनका घर भी बना हुआ है बाजू में, और यहाँ राधा कृष्ण मंदिर है। हाँ बहुत अच्छा परिसर है यार, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। और देखो बच्चे लोग खेल भी रहे हैं यहाँ पर, ये गया शू। यहाँ मैं भी बचपन में आकर खेला करता था कभी,
बहुत समय पहले। चलो अब चलते हैं, ऐसे पूछते हैं मंदिर के बारे में, इतिहास मंदिर का। और भैया यहाँ 40 साल से हैं, उन्होंने बताया है तो बता देंगे। भैया ने लड्डू भी पान लिए यहाँ से, गोपाल स्वीट से। ठीक है भैया, जय गणेश, धन्यवाद। हाँ के समय आना जी, बिल्कुल। उस समय पूरे समिति के सब लोग मिलेंगे। हाँ और जिनको सपने दिए थे गणेश जी, हाँ वो भी आती है महिला। हाँ महाराष्ट्र की, वो राइट टाउन में कहीं रहने। अच्छा, पहले अपने मदर डेयरी के पास रहती रही। हाँ फिर उसके बाद फैमिली बड़ी उनकी, तो वहाँ। हाँ चली गई। ठीक, धन्यवाद गाइस। अभी हम लोग निकल चुके हैं गणेश मंदिर से और अब हम जाने वाले हैं तिलवारा घाट, क्योंकि अभी थोड़ा दिन है और टाइम हुआ नहीं है घर जाने का, तो तिलवारा घाट घूम लेते हैं ना शांतनु भाई। नर्मदा माई के दर्शन करेंगे, क्योंकि नहीं माने रे जियरा, नहीं माने रे। चलो गाइस नर्मदा जी चलते हैं। फल जा चुके हैं इस एरिया के सबसे फेमस समोसे वाले भैया के पास। ये क्या है? ये वो है दही बड़ा, दाल बड़ा और ये समोसे। बहुत टेस्ट। चांदन भाई के साथ रहते रहते लगता है मेरा वजन भी 100 के ऊपर चला जाएगा। मेरा 500 आ गए हम लोग मंगोड़ों पे। भाई खिलाते ही जा रहे हैं। भैया का नाम क्या है? मर्रू भैया। मर्रू भैया के मंगोड़े आ सकते हो। देखो गुरु नानक किराना है और यहाँ पर ये कौन सा विजडम वैली स्कूल के जस्ट सामने। भैया यहाँ आओ, गजब के मंगोड़े, गजब के समोसे, गजब का टेस्ट आता है। आज रात हो गई है और हम लोग आ गए हैं तिलवारा घाट पुल पर। ओल्ड पुल है और अभी जो नए पुल बन चुके हैं, देखो दो पुल हैं नए, एक वो वाला जाने वाला और ये वाला आने वाला। अभी हम लोग इस वाले पुराने पुल पे हैं। ये जो सबसे पुराना पुल है, यहाँ से अंग्रेज लोग जाते थे नागपुर, और जब नर्मदा जी का जल स्तर बढ़ जाता था ये डूब जाता था, तो आवागमन रुक जाता था 3-4 दिन के लिए। ओ भाई नर्मदा जी के दर्शन करो मस्त। जबलपुर हो गया और उसके बाद कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाए। अभी आए हैं, फोन चार्ज किया और पानी गिरने लगा है। हम लोग वापस जा रहे हैं, बहुत तेज पानी गिर रहा है। चाय नाश्ता कर लिया, आपको बताया भी नहीं, बोलना नहीं कि अकेले अकेले करके। ठीक है भाई, नर्मदा माई की जय। नेक्स्ट ब्लॉग में चला।